अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे अपने प्यारों के साथ खुशबाश होंगे। जैसे कि मैं हूँ अपनी बच्ची के घर आई हुई हूँ, ऐसे ही लग रहा है माँ के घर में हूँ मैं। और ये आज के मेरे कपड़े हैं जी, कपड़े मैंने इस तरह भी देख लें, ऐसे ही कर लिए हैं। जान छुड़ाई है कपड़ों से, आज बस यही पहन के घर में हमने आज आराम करना है पहन के। तो जी सुबह का आगाज़ हो चुका है, तैयार मैं कैजुअल कपड़ों में, कैजुअल हुलिये में मैं आ गई हूँ। ग्लासेस मैंने लगा ली हैं, कल क्योंकि मैंने लेंस लगाए हुए थे तो आज जो है ना ज़रा आँखों को आराम देती हूँ, लेंस लगाती हूँ। और आज वैसे भी हमने आराम करना है, कल हमने खूब इंजॉय किया, थक भी बहुत ज़्यादा गए थे। और नाश्ता भी मैं करती हूँ, फ्रूट सैलड ही खाऊंगी क्योंकि रात को लेट नाइट जो है हमने खाना खाया था, जब सारे मेहमान चले गए हमने दोबारा से खाना खाया था, तो इसलिए जो है ना ज़रा लाइट ही ब्रेकफास्ट करती हूँ। तो आज हमने करना है जी सारा दिन आराम, मैं तो आराम करूँगी। भांजी अभी जॉब पे गई हुई है तो उसका लास्ट डे है आज, तो वो जब आएगी घर तो फिर इंशाल्लाह कज़न्स जो है ना, जैसे हम, मैं और मेरे भांजे भांजियाँ, वो हम सब जो है ना खाला के साथ मिलकर रौनक लगाएंगे। तो ये है जी मेरा नाश्ता, और नाश्ते में है फ्रूट सैलड, कीवी, केले, नारियल और अनार, और साथ ही ऑरेंज। तो ये है जी मेरा ब्रेकफास्ट, ये सारा मैंने अकेली ने नहीं खाना, बाजी भी मेरे साथ जो है ना ये फ्रूट खाएंगी। और मौसम आज देख लें, बारिश हो रही है, तो अल्लाह करे आने वाले दिनों में बारिश ना होए, वरना जो है ना हमारा सारा प्रोग्राम जो सोचा हुआ है वो फिर पता नहीं उसका क्या बनेगा। लेकिन यहाँ का वेदर ऐसा ही, आफ्टरनून में बारिश होती है, इवनिंग टाइम जो है इतनी कड़क वाली जो है ना सूरज ग्रूब होने से पहले धूप निकल आती है। तो मौसम भी ऐसा है, बाहर हमने कहीं जाना नहीं, घर में ही आज आराम करना है। तो देखें क्या करते हैं आज। तो जी ये सारे गिफ्ट्स यहाँ पे अब ये डाइनिंग टेबल पे जो है रख दिए हुए हैं, तो इनमें से जो ये फ्लावर्स हैं ये निकाल के अब इनको कहीं रखना पड़ना है पानी में, क्योंकि ये वरना जो है ना ये ख़राब हो जाएंगे। और बाकी के गिफ्ट्स जो हैं दुल्हन काम से आएगी तो वो फिर जो है देखेगी अपने तोहफे। जी ये हैं सारे फ्लावर्स, मैं आपको दिखाती हूँ इनके साथ मैंने क्या किया है, आप भी देखें। ये देखें पतीली के अंदर पानी मैंने डाल दिया क्योंकि माशाल्लाह से इतने ज़्यादा ये हैं फ्लावर्स, तो मैं क्या बेचारे मुरझा ना जाएं, तो इनको रखते हैं ऐसे। और ये है पॉट, तो ये ऐसे ही सही है जी। ये देख लें 2 घंटे के बाद वेदर, बारिश का नामो निशानी। तो यहाँ पे फायज़ा आई हुई है, बड़ी अच्छी है और सही मेरी बेस्ट फ्रेंड जो है बन गई हुई है। और यहाँ पे फायज़ा को पता नहीं था कि मैं चाय नहीं पीती, उसने मेरे लिए भी बना दी। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, अगर आपने बना दी है तो अब ज़ाया थोड़ी करनी है, तो कोई नहीं हम भी ज़रा चीनी कम में दूध ऐड करके चाय बना के पी लेते हैं। तो यहाँ पे फिर ये जो है चॉकलेट्स, मैंने कहा ये खाएं, ये मैं लेके आई थी, चॉकलेट ज़रूर खाएं। और यहाँ पे जी चाय अब मैं पीने लगी हूँ। मैं जा रही हूँ लाइबा को लेने के लिए, आज बाजी ने और भाईजान ने जाना है, कहीं कोई उनकी काम है, तो हम आज करेंगे घर में पार्टी छोटी खाला के साथ। छोटी खाला के साथ भांजी और भांजियाँ करने वाले हैं पार्टी, और मैं अपने भांजी के साथ जा रही हूँ लाइबा को पिक करने। बड़ी धूप है, पहले उस वक्त बारिश हो रही थी सुबह। दिस इज नॉट ग्लासगो, दिस इज लंदन, अनएक्सपेक्टेड वेदर। और जी लाइबा को कर लिया पिक और लाइबा को ले आए हैं जी हम घर, और अब हम करेंगे जी लंच। लाइबा का खाना, लाइबा खा रही है कोरमा और मैंने ये नान गरम किए हैं बटर के साथ, ओए हो बड़े ज़बरदस्त। और ये है जी यानी बादशाह की प्लेट, इसमें मैंने पालक पनीर, बिरयानी और ये चिकन रोस्ट, सेम मैंने भी अपनी ऐसी ही प्लेट बनाई थी, तमाम विद लवाजमात, सैलड और साथ चटनी भी थी। और यहाँ पे जी यानी स्कूल से आ गया हुआ है और यानी इंजॉय कर रहा है अपना लंच। और जी यहाँ पे सारा मैंने ये सेट कर लिया है, ये तो पहले ही वो डेकोरेट करके गए हुए थे और इतना खूबसूरत ये उन्होंने डेकोरेट किया है ना। और ये जो यहाँ पे नीचे मैट्रेस और चादर उसके ऊपर कुशन है, ये भी मैंने यहाँ पे सजा दिए हैं। तो पूरा माहौल जो है हमने पार्टी का तैयार कर लिया, डांस प्रैक्टिस करेंगे और उसके अलावा देखते हैं आज क्या करते हैं। बस मेरी भांजी भी काम से आने वाली है तो देखें फिर। तो जी डांस प्रैक्टिस करने वाली ऑडियंस में जो है जोश और जज्बा आज कम है, तो बस फिर देखें इनकी छोटी खाला ने क्या किया। आगा।
प्रैक्टिस तो इतनी हुई नहीं, लेकिन बच्चों को जो है सबको लग गई है भूख। तो अब जो है जा रहे हैं हम आज़डा शॉपिंग करने के लिए। इस वक्त देखते हैं क्या हमें मिलता है आज़डा से और क्या पकाते हैं और खाते हैं। अब एक ही बैग ले लो बस, चलो आ जाओ। यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं आज़डा। बच्चा पार्टी, हाँ बच्चा पार्टी देख लो, ऐसे आ रहा बच्चा पार्टी। वाटरमेलन उठाना है, वाटरमेलन, उसके बाद आइसक्रीम, उसके बाद वो गया वेजिटेबल्स लेने जी। यहाँ से हम लेंगे वाटरमेलन, ये वाला लेंगे, ये वाटरमेलन, नॉट मेलन, वाटरमेलन, ये वाला, इसके ऊपर वो येलो निशान है ना, ये, शाबाश। इसने त्राव निकाल दिया, कोई है नहीं, मैं यहाँ पे आई, एक दम से आवाज आई इसकी, अल्लाह माफी, तो वह त्राव ही निकाल दिया इसने मेरा। दिखा ये वाला जी, ये डिजर्ट है, ये लो जी रखो डिजर्ट। मीट बटोने, बटोनिया, ये इतने क्यूट लगते हैं, मैं कहती हूँ। शॉपिंग हो गई हमारी पूरी, वाटरमेलन वाटरमेलन बैग हम एक ही लेके आए थे, हमने क्या एक्स्ट्रा नहीं पे करना, यही ठीक है। और शॉपिंग हो गई हमारी पूरी, अब हम जा रहे हैं जी घर। चले हारे हारे हारे, हम तो दिल से हारे। तो जी घर हम पहुंच गए हैं, अब जा रहे हैं, और चांद देखें चांद। तो जी आलू उबालने के लिए मैंने रख दिए, और मैं और मेरा भांजा हम दोनों कर रहे हैं आज कुकिंग। तो उसने कहा खाला मैं फ़िश को कर लूँगा बेक, आप वेजिटेबल्स बॉयल कर लें। तो यहाँ पे जी आलू मैंने उबालने के लिए रख दिए हैं, मशरूम्स को जो है इनको मैं हल्का सा स्टर फ्राई कर लूँगी, और यहाँ पे जी ये एयर फ्रायर में होएगी आज, सामन पकेगी इसमें, वो आप देखेंगे आगे। तो यहाँ पे जी फुल पैक जो मशरूम्स का था उसको मैंने ये पैन में डाला, इसमें मैंने डाल दी ब्लैक पेपर, ब्लैक पेपर भी मेरे से ज़्यादा ही पड़ गई थी, इसको फिर बाद में जो है ना मैंने ये मशरूम्स के ऊपर से उतार के थोड़ा सा जो है ना इसको मैंने कम किया था। तो इसमें मैंने 1 टेबल स्पून ऑयल ऐड किया, और बाकी ये जो है ना मशरूम्स के पानी में इन्होंने जो है ना वो स्टर फ्राई होना था। तो इनको 5 मिनट जो है मैंने पकाना है, और ये देखें इसके बाद ये मशरूम्स जो हैं ये तैयार हैं। यहाँ पे वेजिटेबल्स जो हैं वो भी मैंने उबालने के लिए रख दी हैं, आलू भी उबल रहे हैं, और ये यहाँ पे जी मेरे भांजे ने, ये भांजी ने बल्कि दुल्हन ने सॉस तैयार करके दे दी थी, उसकी अम्मा की ये रेसिपी है, तो मुझे इसका नहीं पता। तो उसने अपने भाई को जो है सॉस तैयार कर दी, और भाई साहब अब बनाएंगे स्पाइसी फिश। तो जी यहाँ पे तैयारी हो रही है फिश की, और बनने जा रही है फिश। अब जी बच्चा पार्टी देखने लगे हैं यहाँ पे कोई मूवी। तो जी फिश ये देख लें यहाँ पे मैरिनेट हो गई हुई है, और अब ये जा रही है एयर फ्रायर में, 15 से 20 मिनट में ये पक जाएगी। और यहाँ पे आलू भी जोश व खरोश से उबल रहे हैं, वेजिटेबल्स भी तैयार हैं, और मशरूम्स भी यहाँ पे जी तैयार है। मैं बना रही हूँ जी, मैं और मेरा भांजा मिलके हम बना रहे हैं डिनर, पार्टी हो रही है, फुल पार्टी हो रही है, डांस प्रैक्टिस भी हमने कर ली, बड़ा हमने इन्जॉय किया, अपनी रौनक हमने लगाई है, और ऐसे ही बस क्रेजी डांस पार्टी हमारी हो रही है। तो खाना बस थोड़ी देर में हो जाएगा तैयार, और वो हम खाएंगे। आज बन रहा है जी हेल्थी फूड सैमन विद वेजिटेबल। चल रखा दे तो पार्टी भाई, हमने दोपहर को जो है ना काफ़ी मिर्च मसालों वाला खाना खा लिया था। तो यहाँ पर मैंने डाला है इसमें बटर, ब्लैक पेपर एंड सॉल्ट, तो इनको हल्का सा जो है ना मैं स्टर फ्राई करूँगी पोटैटोज। और जी खाना यहाँ पे हमारा तैयार है, बड़ी इजी रेसिपी है, कोई हांडी नहीं पकानी पड़ी। और देख लें फिश भी तैयार है, वेजिटेबल्स भी तैयार हैं, और यहाँ पे अब से जाते हैं हम अपनी प्लेट। प्रॉपर हमारी सही प्लेट बन गई, खाना खा लिया, बर्तन यहाँ पे जा रहे हैं जी डिश वॉशर में। अब खा लिया, अब हम खाने जा रहे हैं आइसक्रीम, और सही हो गया काम सारा। जबरदस्त एंजॉय कर रहे हैं लाइबा को छोड़ने। तो बस
आज का हमारा दिन यहाँ पे हुआ पूरा, अब घर आके हम सोएंगे। तो सर्दी हो गई हुई है बड़ी। तो जी लाइबा ने कल यूनि वापस चले जाना, तो इसलिए हमने कहा कि आज जो है ना सारे कजन और छोटी खाला मिलके जो है ना अपना टाइम एंजॉय करते हैं। ओके जी इंशाल्लाह सी यू। तो जी लाइबा को कर दिया घर ड्रॉप। वसीम भाई से पहले मेरी मुलाकात हुई थी, वो भी थोड़ी सी हुई थी क्योंकि वो डायलिसिस पे जाने वाले थे, तो अभी भी लेट हो गया। तो इंशाल्लाह आज का व्लॉग हुआ यहाँ पे पूरा। फिर आपसे बात होगी, दुआ में मुझे याद रखें, अपना ख्याल रखें।